In this video, there is a brief information about Hawa Mahal. Hawa Mahal, जो आया है राजस्थान के जयपुर में, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया, जो लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दूर से अगर देखा जाए तो ये कृष्ण जी का मुगट जैसा दिखता है, और ये 5 फ्लोर्स का है। हवा महल का इस तरह से बनाया गया है कि यदि बहुत ज़्यादा गर्मी हो फिर भी महल में गर्मी नहीं लगती। महल में टोटल 953 बारियां है, जिसके ऊपर जाली लगी हुई है और ऊपर गुंबद लगे हुए हैं। इन सारी बारियों पर अलग अलग तरीके से डिजाइन की गई है। महल के पीछे की ओर बहुत सारे कमरे हैं। महल को मुगल शैली और राजपूत शिल्प कला से बनाया गया है। हवा महल के 5 फ्लोर को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे 1st फ्लोर को शरद मंदिर बोला जाता है, 2nd फ्लोर को रत्ना मंदिर, 3rd फ्लोर को विचित्र मंदिर, 4th फ्लोर को प्रकाश मंदिर और 5th फ्लोर को हवा मंदिर। इस तरीके से उन्होंने 5 फ्लोर्स को अलग अलग तरीके से नाम दिए। महल को खास तौर पर रॉयल लेडीज के लिए बनाया गया है, ताकि वो बारी में से पूरे सिटी का नज़ारा देख सके और रस्से में हो रहे उत्सवों को देख सके। अगर महल को दूर से देखें तो ये मुगट यानी क्राउन और मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आता। हवा महल में जाने के लिए आगे से कोई रास्ता नहीं है। महल के साइड में एक रास्ता है, वहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। महल में अंदर जाने के लिए भी और वहाँ ऊपर 5th फ्लोर तक जाने के लिए कोई सीढ़ियाँ नहीं है, वहाँ एक ढलान जैसा रास्ता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह की रानियों को घेर वाले घाघरे की वजह से वो सीढ़ियों पर चढ़ने की उन्हें तकलीफ होती थी, इस वजह से उन्होंने ढलान वाला रास्ता बनाया। वह ढलान वाला रास्ता आपको ऊपर तक ले जाता है। हवा महल का नाम उनके 5th फ्लोर के नाम हवा मंदिर पर से रखा गया। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह का सबसे पसंदीदा महल था, क्योंकि यहाँ हमेशा ठंडी हवा ही आती है। वो वहाँ ज़्यादातर आराम करने जाते थे। हवा महल को 2005 में करीब 50 साल के बाद यानी 50 साल के बाद रिनोवेट किया गया, जिसमें अंदाजित 45,679 लाख रुपए का खर्च हुआ था। माना जाता है कि महल को बिना किसी आधार से बनाया गया ये दुनिया की पहली इतनी ऊंची इमारत है। इसे 87 डिग्री एंगल में बनाया गया है, इसी वजह से ये अभी तक बिना किसी आधार के खड़ा है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल को अंदर से देखने के लिए इंडियंस के लिए 50 रुपीस और फॉरेनर्स के लिए 200 रुपए की फीस ली जाती है। वो रोजाना सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 4:30 बजे बंद हो जाता है। हवा महल वो 1799 में बना था। इस तौर से देखा जाए तो ये 221 साल पुराना है।